नसीम थेबे जी द्वारा लिखित सिंधी कहानी किस किस को खामोश करोगे का हिंदी अनुवाद देवी नागरानी जी द्वारा प्रस्तुत है। पांचवा पीरियड खत्म हुआ तो मैं अपने क्लास की लड़कियों के साथ नीचे उतरी, क्योंकि अब हमारा जीव विज्ञान का प्रयोगात्मक सत्र था। मेरे हाथ में डिसेक्शन बॉक्स और जीव विज्ञान का जर्नल था। गलियारे से गुजरते मेरी नजर एक कैदी पर पड़ी, जो लॉन की दूसरी ओर गर्दन झुकाए पत्थरों को कूटकर मिट्टी में बदल रहा था। उसके करीब और भी कैदी खड़े थे, उनके भी पांव में जंजीरें पड़ी थी। हम सबको गुजरते देखकर कैदियों ने मुंह ऊपर करके देखा। उनके होठों पर घायल मुस्कान थी और आंखों में उदासी के साथ विडंबना भी थी। वे फिर अपने काम में लग गए और मैं भी प्रयोगशाला में आ गई। मेरा दिल न जाने क्यों उदास और वीरान हो गया। सोच रही थी कि मजदूर जेल में भी सख्त थकाने वाला काम करते हैं, पर बड़े आदमी कत्ल करके भी जेल में आकर बी क्लास रेडियो अखबार और दूसरी सुविधाओं का उपयोग करते हैं। उन्हें जिंदगी की वही सुविधाएं उपलब्ध कराई जाती हैं जिनके वे आदि हैं, मतलब वर्गीकरण के फासले जेल के भीतर भी कायम है। हाँ, तो मैं बात कर रही थी उस कैदी की जो मुझे कुछ जाना पहचाना सा लगा। थोड़ा जहन पर जोर दिया तो याद आया वह तो हमारे गांव का किसान था, जिसे गांव के लोग कॉमरेड सोडा कहकर बुलाया करते थे। पर वह जेल में कैसे आया? सोडा तो बहुत नेक किस्म का इंसान था, बुद्धिमान और इंसानियत से संपन्न। शायद मैंने सोडे को न पहचाना। काफी साल गुजर गए हैं मुझे भी अपना गांव छोड़े। कॉलेज से जब घर लौट रही थी तो मैंने सोडे को गेट के बाहर सिपाहियों के साथ जेल की ओर जाते देखा। ग्रीष्म ऋतु का अत्यंत ही तपता हुआ दिन था, सूरज की ऊष्मा जिस्म को जला रही थी। नेक मोहम्मद के लबों पर एक पाखंडी मुस्कुराहट थी, वह रह रहकर अपनी मूछों को मरोड़ रहा था। जब रामू ने उसे सब कुछ बताते हुए कहा कि सोडे ने न तो चीखा और न चा, पिरल साईं कुछ दिमाग ठंडा कीजिए, तुम्हें क्या हक है किसी गरीब को बेइज्जत करने का? पर साईं याद रखना, आज तुम हम श्रमिकों को बिना किसी दोष के मार रहे हो, कल इन जैसे जलील बुजुर्गों की गर्दनें काटेंगे। अरे सोडा, तुम्हारी ये मजा? फिर नेक मोहम्मद की ओर देखते हुए कहा। नेक मोहम्मद, देख रहे हो, उतारो कमीने की पगड़ी, वहीं रुको, आगे मत आना, यह कुल्हाड़ी तुम्हारे खून से लाल कर दूंगा। सोडे ने कुल्हाड़ी को सीधा करते हुए कहा, यह हमारे हाथ तुम्हें और नेक मोहम्मद जैसे चापलूस को तख्ते पर लटका देंगे, ये मत भूलना। कहते हुए सोडा वहां से चला गया। इस वारदात को हुए थोड़ा ही समय बीता तो पीरल साई ने सोडे को खून के केस में पकड़वाया। तुरंत ही साला और शागिर्दों की जद्दोजहद के एवज में सेंट्रल जेल में कैद किया गया। उन दिनों में साला से मुलाकात करने सेंट्रल जेल गई थी। जेल के भीतर काफी कैदी काम कर रहे थे, कहीं कहीं पेड़ों तले अकड़े हुए सिपाही बैठे थे। जेल का लेडीज वेटिंग रूम पूरा औरतों से भरा पड़ा था। कई औरतें सर्दी के कारण बाहर धूप में बैठी थी, उजड़ी और वीरान, सबकी आंखों में आंसू थे। कुछ के सुहाग कैद थे तो कुछ के भाई, औरतें सभी ग्रामीण थी। एक सुंदर जवान औरत अपनी छोटी मासूम बेटी को गोद में उठाए एक तरफ बैठी थी। अम्मा, आज बाबा आजाद होंगे? बच्ची ने अपनी माँ से पूछा। हाँ बेटा, आज तुम्हारे बाबू की आजादी का दिन है। अम्मा, बाबा हमारे साथ ईद मनाएंगे? हाँ मेरी बच्ची, वह हमारे साथ मिलकर ईद मनाएगा। और फिर वह औरत ज्यादा बर्दाश्त नहीं कर पाई, सिसक कर रोने लगी। दीदी, आप रो क्यों रही? मैंने करीब जाते उसे गले लगाते हुए पूछा। वह सोडे की पत्नी थी, जिसे मैंने दूर से अंधेरा होने के कारण नहीं पहचाना। वह रुआसी आंखों से मुझे देखने लगी। आज पौ फटते सोडे को फांसी दी गई है, वह ईद हमारे साथ मनाएगा। कुल्हाड़ियों ने मेरे साथ जुल्म किया है। सोडे के
नहीं 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 मेरी चीख निकल गई। सेंट्रल जेल में मुलाकात करने आई थी, पर सोडे के बेबस कैदी जिस्म को देखकर घुटन बन गई। इस समाज के लिए मन में सख्त धिक्कार पैदा हुआ। सोडा तो बहुत सादा, समझदार, बहादुर और ईमानदार किस्म था, कैसे चोरी कर सकता था? नहीं नहीं, ऐसा हरगिज नहीं होगा। वह कातिल और डकैत हो ही नहीं सकता, जरूर किसी गलत इल्जाम में फंस गया। मैं सोचते सोचते घर आ पहुंची, बेदिली से किताब आकर मेज पर फेंकी। साला, तुम्हें सोडा याद है? कौन सा सोडा? गोरी का पति और सुभान का पिता, जिसे गांव के लोग कॉमरेड सोडा पुकारा करते। अरे हाँ, सोडा, भला उसे क्या हुआ? सोडे को मैंने अपने कॉलेज में देखा, उसके पांव में जंजीर जकड़ी हुई थी, शायद सेंट्रल जेल में कैद होकर आया था। हाँ सच में, उस दिन यूनिवर्सिटी में सोडे का रिश्तेदार मिला, उसने बताया कि साला को कुछ याद आया। एक दिन पीरल साई की बैठक में लोग जमा थे, कुछ धरती पर तो कुछ बेंचों पर और कुछ मोड़ पर। दोस्त नेक मोहम्मद पीरल साई के बगल में बैठा था, उसकी लाल आंखें जैसे मकारी और फरेब के लाल प्याले लग रही थी। पीरल साई भी बहुत परेशान लग रहे। पीरल ने नेक मोहम्मद को भेजकर होत को बेगारी के लिए बुला भेजा, पर होत ने इनकार कर दिया। इसी बात पर पीरल उत्तेजित हो गया। गालियों की भरमार के बीचों बीच होत को बुलवाकर उसे थप्पड़े लगाए, पगड़ी उतारकर उसे बहुत बेइज्जत किया। उसी वक्त सोडा भी आकर बैठक में हाजिर हुआ। सोडे ने पास में बैठे रामू से पूछ लिया कि माजरा क्या है। रामू ने सच जो सच था वह बता दिया। पीरल साई ने अपनी धाक जमाए रखी, बेगुनाह को गुनाहगार बनाकर ही छोड़ा। मैं मुलाकात वाले कमरे में जाकर बैठी। सामने वाली कुर्सी पर सीआईडी ऑफिसर और जेल के प्रबंधक बैठे थे। थोड़ी देर के बाद साला मुस्कुराते हुए कमरे में दाखिल हुआ। जीए सिंह, उसने कहा। जीए सिंह, मैंने भी हंसते हुए कहा। बाबा, सियासत पर बातचीत न करना, सीआईडी ऑफिसर ने कहा। हम दोनों यहाँ वहाँ की बातें करते रहे। मैंने साला को सोडे की फांसी के बारे में बताया। साला की आंखें आंसुओं से तर हो गई। हाँ, जेल में मुझे कैदियों से खबर मिली कि चार लोगों को पौ फटते ही फांसी दी गई है, पर सोडा मरा नहीं है। वो अपने पीछे एक नहीं बल्कि हजारों सोडे हर गांव में छोड़कर गया है। साला, तुम्हारा यह साल तो खराब हो जाएगा, परीक्षाएं चल रही हैं और तुम यहाँ बैठे हो। हरी पगड़ी, लोगों की जाने बेकार आ जाती हैं, तुम सालों की बात कर रही हो। साल गया तो गया, सदके सिमरी के साथ। तुम चिंता मत करना। नहीं नहीं, मैं चिंता क्यों करूँ। मुलाकात का वक्त पूरा हो गया, जेलर ने हमें वक्त याद दिलाते हुए कहा। अच्छा, जिंदगी है तो फिर साथ है। जिए से, जिए से, और फिर मैं वहाँ से चलिए। बहुत बहुत धन्यवाद।